तो आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी समय से मैं सोच रहा था बनाऊं नहीं बनाऊं, बनाऊं नहीं बनाऊं, पर फिर मैंने आज फाइनल किया कि चलो बनाते हैं। और आज के इस वीडियो में एक मैं मैसेज देना चाहूँगा काफ़ी लोगों को, टीनएजर्स को। आप एक माता पिता हैं उस तौर पे भी देख सकते हैं, और आप किसी भी वर्ग के हों तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और मेरे बारे में भी जानने का मौका आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है कुछ चीज़ को हासिल करने का। तो मेरा भी ऐसा ही एक सपना था, मैंने बहुत पहले से सोच रखा था बचपन में ही कि मेरे पास एक अच्छी सी स्पोर्ट बाइक हो, और जिससे जिसको मैं राइड पे लेके निकलूं तो लोग देखते रह जाएं। और काफ़ी और भी ऐसे ही बचपन में लोगों का सपना होता है, और बचपन में क्या जो भी बाइक के शौकीन हैं उनको सपना होता है, और किसी भी चीज़ का ड्रीम रख सकता है कोई भी आदमी, और रखना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है और बुराई तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह से मैंने सपना देख रखा था कि एक अच्छी सी स्पोर्ट बाइक तो मैं लूँगा, और वो भी अपने पैसे से। जी हाँ, अपने पैसे से लूँगा ये मैंने ज़रूर सोच रखा था। मैंने नहीं सोचा था कि पेरेंट्स पे निर्भर होके लेके कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने ऐसा सोचा था, मेरी थिंकिंग थोड़ा अलग थी। काफ़ी बार मैंने सोचा भी कि शायद पेरेंट्स से कुछ छोटी मोटी बाइक खरीदवा लूँ, और फिर भी मैंने अपने आप को रोक के रखा। और हाँ, ज़रूर पेरेंट्स ने मुझे एक बाइक दिलाई, मैं नाम भी बताता हूँ, सीवी ट्विस्टर, उस समय पहले, पर कुछ ज़रूरी काम आ गया था मेरे जिम में, तो मेरे ऊपर वो काम आ गया था, इस वजह से वो बाइक मुझे दिलाई गई और मैं बिल्कुल संतुष्ट था। और यहाँ तक कि नहीं, मुझे वो 110 सीसी की बाइक है और मुझे 125 सीसी की शाइन दिलाई जा रही थी। मैंने थोड़ा स्मार्ट वे में गया मैं, और मैंने बोला कि थोड़ा अच्छी दिखती है, छोटी बाइक है तब भी अच्छी दिखती है, मैंने वो ली। और ऐसे ही पड़ोस में और मेरे और जो फ्रेंड हैं, वो मैं हर किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये उन लोगों के लिए ज़्यादातर ये बात उन पे लागू होती है जो जिनको फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मजबूत नहीं है, और रोज काफ़ी उनके पेरेंट्स मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और उनका फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो बाइक को लेकर एकदम पैशनेबल हैं, और वो चाहते हैं कि बस मुझे अभी के अभी चाहिए और यही बाइक चाहिए, और ज़िद में लग जाते हैं। और ऐसे ही मेरे मेरा एक दोस्त था कुछ समय पहले क्या, 1 से 2 साल पहले कुछ इसी बात को लेकर मेरी बहस भी हुई थी उससे। तो उसने बोला था कि मुझे तो अपाचे ही लेना है, अपाचे 160 काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था उस टाइम पे, तो ज़िद में लगा हुआ था। और मैं समझाने में उसे लगा हुआ था कि नहीं यार देख, आप के घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, और आप 4-5 सिविलियंस हैं, भाई बहन हैं, तो उसमें भी आपके पापा रिटायर्ड हैं और एक फार्मर है इस समय, तो उनको काफ़ी मुश्किल आती होगी पैसे जुटाने में, तो आप अगर लेना तो बिल्कुल लो, पर जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो लो यार, तो मज़ा आएगा। तो उसने मेरे को एक जवाब दिया कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, लाखों देखो बच्चे लेके घूम रहे हैं, उधर आप मार्केट में जाओ, आप मरीन ड्राइव पे जाओ देखो। तो मैं बोला कि यार देख, वो वेल सेटल फैमिली से हैं, ठीक है, और उनको कोई पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अगर लें तो बात अलग है। और आप अगर सोचो कि अपने पैरों पे खड़े होके और खुद की मेहनत से अगर कोई चीज़ हासिल करो तो क्या महसूस होगा आपको, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसने मेरे से बोला कि बड़ी बातें कोई भी कर सकता है, प्रूफ करके दिखाओ तो बताएं। और मेरे कई बार मना करने के बाद भी, कई बार समझाने के बाद भी, उसने 1 साल बाद जिद करके अपाचे 160R ले ली। और आप सभी को पता है मैंने अभी कुछ दिन पहले RR 310 परचेस की है, वो भी अपने बलबूते पे, अपने मेहनत के पैसे पे। उस टाइम पे जब उसने RR 160R ली थी अपाचे, जो जब वो लेके निकलता था और शो ऑफ करने के लिए, वो सोचता था कि मैं शो ऑफ करूँगा दोस्तों के साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर दोस्त क्या ताना देते थे उसको कि यार ये 160R ले ली, क्या इसको खेत में चलाओगे, हल चलाओगे, हैं इसलिए ले ली, और उसको वो ताने सुनने पड़ते थे। पर मैंने जो जब बाइक ली अपनी, और आप सोचते हैं कितना फ़र्क है रेट में, और आज उसकी बाइक कुछ भी नहीं है मेरी बाइक के सामने, और
आप समझ सकते हैं कहाँ 160R और कहाँ RR310। तो आज मैं जब अपनी बाइक लेके निकलता हूँ तो मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे को ये नहीं देखना पड़ता कि कोई मेरी बाइक देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो अपने आप ही देखते हैं। और प्लस मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी बाइक को देखता हूँ और देख के मुझे जब मैं राइड पे निकलता हूँ उस पर की लगाता हूँ तो मुझे एक अंदर से गर्व महसूस होता है कि हाँ ये मेरे अपने मेहनत की कमाई की है। और यहाँ तक नहीं, मैं सर्विस सेंटर में अपनी बाइक को फर्स्ट सर्विस के लिए लेके गया था तो वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला था जो बोला था कि मैं मेरे पेरेंट्स नहीं है, बचपन में मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और पर मेरा एक सपना था कि मैं मेरे पास एक अच्छी सी बाइक हो। और उनने भी RR310 परचेस की और वो बोले कि मैं उसके बाद मेहनत करता गया और नेवी में मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट हुआ और मैंने वहाँ पे कुछ साल नौकरी करने के बाद और RR310 जो है परचेस की है। तो मेरे को उनकी स्टोरी सुन के भी काफ़ी गर्व हुआ उन पर और मैंने बोला कि तब तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, हमको जो हमने अपनी मेहनत से हासिल किया है उस पर ना कोई ताना मार सकता है ना कुछ कह सकता है, ठीक है। आप पेरेंट्स के पैसे से ले तो रहे हैं, शौक तो पूरा कर ले रहे हैं, पर असली मज़ा उसी में जब आप अपने मेहनत से किसी चीज़ को हासिल करें, आप समझ रहे होंगे। और उस टाइम पे आप उस चीज़ की और ज़्यादा केयर करेंगे, आपको पता रहेगा कि उसको कितने स्पीड पे चलाना है, उसको उस पे व्हीली करनी है कि नहीं, स्टॉप ही करनी है कि नहीं, कुछ दिक्कत उसमें आ जाती है तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा ये आपको अपने बजट पे देखना देखना पड़ेगा उस टाइम पे। और पेरेंट्स ने दिला दिया तो आप कुछ दिन शौक जब आपका पूरा हो जाएगा तो आप उसकी केयर करना भूल जाओगे। तो इसीलिए आप खुद की मेहनत से कोई चीज़ हासिल करो, मैं बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ जो आपको प्यारी हो उसको खुद की मेहनत से हासिल करो ना, तो उसमें मज़ा ही कुछ और होता है। और मैंने जो मेरा सपना था, मैंने मेरा ड्रीम था वो मैंने पूरा किया, वो भी अपनी मेहनत से, क्योंकि कहते हैं ना किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू अगेन। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।